फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है यामाहा FZ-S, ये फर्स्ट वर्जन है और इसमें हम ये वाला बल्ब इंस्टॉल करेंगे, जूनो मिंडा HS1 12 वोल्ट 35 वोल्ट गोल्ड, और ये एक्सट्रीम वेदर के लिए बना है गोल्ड। इसका कांच गोल्ड कलर का है और इसमें भी 35 वोल्ट का बल्ब आता है। इसका हाई बीम चल रहा है लेकिन लो बीम बंद है। आज हम ये बल्ब इंस्टॉल करेंगे। इसको मैंने अमेज़ोन से लिया है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में, और ये ऑनलाइन का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर आपको ये पसंद हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे परचेस कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये एलन की ओपन करनी होगी, 1, 2, 3 और 4, और ये सब ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर दिया है और इसके अंदर ये है 10 mm का बोल्ट, वो साइड दूसरा है, ये दो और ये नीचे, ये तीन खोलना होगा हेडलाइट को निकालने के लिए। ये हमने हेडलाइट खोल दी है और अभी हम इसे निकालेंगे। ओरिजिनल फिटिंग है, कंपनी फिटिंग, इसलिए खोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये डस्ट कवर, इसका लो बीम खराब हो गया है, ओरिजिनल फिलिप्स का लैंप है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये लो बीम है, ये हाई बीम है, देखिए दोनों अच्छे से चल रहे हैं। ये लगाने के बाद डस्ट कवर अच्छे से लगाइए, अगर डस्ट कवर अच्छे से नहीं लगाया तो हेडलाइट में धूल घुसेगी और मॉइस्चर भी घुसेगा। और मेक श्योर कि ये ब्रीदर पाइप ओके हो। ये चॉकअप अगर हो गई होगी तो बहुत गर्म हो जाएगी हेडलाइट। और अभी हम हेडलाइट का वायरिंग लगाएंगे। टेस्ट करेंगे। ये है लो बीम और ये है हाई बीम। दोस्तों, ये बोल्ट हमने लगा लिया है और ये वाला बोल्ट हेडलाइट के एडजस्टमेंट के लिए है, और निकालते वक्त यहाँ पे कुछ भी ऐसा मार्क करके रखो तो आपको याद रहेगा कि पिछला सेटिंग कैसा है। और वैसे ये रात को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा बहुत मार्क किया है, उससे लगा देंगे। देखिए ये रात का नज़ारा, और ये येलो कलर का ऑल वेदर लैंप अच्छे से काम कर रहा है। ये है लो बीम और ये है हाई बीम। और ये बहुत दूर तक जाता है, बारिश में और फॉग में ये शायद ज़्यादा अच्छा होगा नॉर्मल बल्ब से। और अगर आपको ये सही लगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू।